तो चलिए अब वक्त आ चुका है आपकी एस्ट्रोलॉजी रिपोर्ट्स देखने का। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीओ के जनादेश एनएक्स आपके सितारे, और मैं हूं कुमार गलनी, आपका अपना ज्योतिष। कैसा रहेगा आपका आने वाला नया साल 2019, आपको बताएंगे आज के इस विशेष एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले व्रत तिथि व त्यौहार। साल की शुरुआत होगी 1 जनवरी यानी मंगलवार से। इस दिन है एकादशी और 5 जनवरी को है अमावस्या यानी शनिवार का दिन। ये थी व्रत तिथि व त्यौहार। आइए शुरुआत करते हैं राशि फल की। पहली राशि है मेष। साल की शुरुआत में ही शुक्र का और बुध का राशि परिवर्तन होगा। धन के मामले में किस्मत आपको साथ देगी, धन की वृद्धि होगी, धन लाभ होगी। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे वो इस साल होंगे और उनमें आप अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। मार्च में राहु केतु के राशि परिवर्तन करने से आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी। हर योजना में आपको कामयाबी मिलेगी, हर मनोकामना पूर्ण होगी। उपाय के तौर पर आप सूर्य भगवान को जल दे व ओम आदित्य नमः का जप करें। अगली राशि है वृषभ। 2019 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र के राशि परिवर्तन करने से लाइफ पार्टनर के साथ जो आपके मतभेद हो रहे थे छोटी छोटी बातों में, वो दूर होंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, व्यवसाय में भी वृद्धि होगी, विदेश यात्रा के भी अच्छे योग है। मार्च में राहु के राशि परिवर्तन करने से आपके धन भाव में वृद्धि होगी। उपाय के तौर पर आप ओम गण गणपति नमः का जप करें। अगली राशि है मिथुन। साल 2019 आपके लिए विशेष सफलता लाएगा। साल की शुरुआत में ही आप जॉब चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज करने के भी अच्छे योग है, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। मार्च में राहु के राशि परिवर्तन करने से आपको विशेष लाभ होगा, आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा व सीनियर्स का भी सपोर्ट प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से संबंध सुधरेंगे, वाणी में भी मधुरता आएगी, हर कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा व धन की भी वृद्धि होगी। अगली राशि है कर्क। साल 2019 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहु केतु के वजह से जो काफ़ी समय से आपके जीवन में तनाव चल रहा था, वह आप अधिक मेहनत कर रहे हैं, उसके मार्च में हट जाने से आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। शुक्र के राशि परिवर्तन करने से स्टडीज़ में स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है, आपके प्रयासों को सम्मानित किया जाएगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी व भाई बहनों के सहयोग प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर आप बेसन का लड्डू मंदिर में दान कर सकते हैं। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के लिए 2019 सफलता पूर्ण रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही, साल की शुरुआत में ही शुक्र की राशि परिवर्तन करने से, बुध की राशि परिवर्तन करने से सेल में अत्यधिक वृद्धि होगी। स्पेशली शेयर्स व कंस्ट्रक्शंस करने वालों के लिए ये साल विशेष सफलता अर्जित करेगा, हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। ये साल आपके लिए नई दिशा व नई दशा लेकर आया है। अगली राशि है कन्या। साल 2019 आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। काफ़ी समय से शनि के वजह से जो अडाई आपके ऊपर चल रही थी, उसके वजह से आपको सफलता नहीं मिल रही थी। शुक्र के राशि परिवर्तन करने से साल के शुरुआत में ही आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, रिश्तों में भी सुधार होगा, माँ बाप से जो अनबन चल रही थी उसमें भी कमी आएगी व मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होगी। मार्च में राहु केतु के राशि परिवर्तन से जो आपको धन में प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाभ की कमी हो रही थी, उससे आपको निजात मिलेगी। उपाय के तौर पर आप ओम देव गुरु बृहस्पति नमः का जप करें। अगली राशि है तुला।
2019 आपके लिए बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी समय से शुक्र के वजह से जो आप लेजीनेस कर रहे थे वो शुक्र के राशि परिवर्तन करने से दूर होगी। कार्यों में तेजी आएगी, आप अपने कार्यों के लिए जवाबदेह बनेंगे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली जाएंगी जिसे आप बखूबी निभाएंगे। धन की वृद्धि भी होगी, अचानक धन लाभ होंगे। ये पूरा साल धन के क्षेत्र में आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही विशेष है। राहु केतु के राशि परिवर्तन करने से आपको विदेश यात्रा के अच्छे योग है व आप अपने कार्य क्षेत्र में सम्मानित किए जाएंगे। अगली राशि है वृश्चिक। साल 2019 आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा जिससे आप अच्छी उन्नति करेंगे। जॉब्स में प्रमोशन भी पॉसिबल है व व्यवसाय में विस्तार भी होगा। मंगल के चतुर्थ भाव में बैठने से आपको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ सकते हैं, लापरवाही ना करें, अब अच्छे डॉक्टर्स को दिखाएं व सलाह लें। राहु के राशि परिवर्तन करने से आपको फाइनेंस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं व आपको कोई धोखा भी दे सकता है, किसी को भी आप गारंटर ना बने। उपाय के तौर पर आप पूजा वाले नारियल मंदिर में दान करें। अगली राशि है धनु। साल 2019 आपके लिए खर्चों का साल रहेगा, खर्चों में वृद्धि होगी, कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक समय अच्छा है, आप किसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई नया घर भी आप ले सकते हैं जो काफ़ी समय से आप सोच रहे हैं। मार्च से लेकर नवंबर तक राहु का विशेष प्रभाव रहेगा आपके राशि में, आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, धैर्य से काम लें, नवंबर के बाद आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगली राशि है मकर। साल 2019 आपके लिए वर्किंग रहेगा, आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। शुक्र के वजह से जो लेजीनेस आप में आई हुई थी, शुक्र के राशि परिवर्तन करने से उसमें सुधार होगा। आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे जिसमें आप अधिक मेहनत करेंगे व धन अर्जित करने में भी सफल रहेंगे। हर कोई आपके कार्यशैली से प्रभावित रहेगा व कार्यशैली में भी सुधार आएगा। मार्च में राहु केतु के राशि परिवर्तन करने से आपके खर्चों में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी ओर वैवाहिक जीवन में भी अच्छा तालमेल बैठेगा। अगली राशि है कुंभ। साल 2019 आपके लिए विशेष सहयोग वाला साल रहेगा, शुक्र के राशि परिवर्तन करने से शुक्र व गुरु के एक साथ आने से आपको विशेष सफलता मिलेगी। ऑफिस में काम करने वालों के साथ आपका अच्छा तालमेल बैठेगा, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, स्त्री पक्ष से विशेष सफलता मिलेगी, आपको विशेष सहयोग मिलेगा। मार्च में राहु के राशि परिवर्तन करने से सेहत में सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर खर्चों में भी वृद्धि होगी। अगर आप घर में रिनोवेशन का काम सोच रहे हैं तो राहु केतु के राशि परिवर्तन करने से वो कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अगली राशि है मीन। साल 2019 आपके लिए मेहनत भरा रहेगा व सफलता भी आप इसमें अच्छी अर्जित करेंगे। साल के शुरुआत में ही शुक्र के राशि परिवर्तन करने से जो कार्य रुके हुए हैं उनमें तेजी आएगी, आप अपने प्रयासों से सफलता अर्जित करेंगे व माँ बाप के साथ में भी रिश्तों में तनाव कम ज़्यादा होता रहेगा। निवारण हेतु आप ओम देवगुरु बृहस्पति का जप करें व धैर्य से काम लें। विदेश यात्रा के भी विशेष योग हैं, आप विदेश भी जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा है। राहु केतु की वजह से जो आप कम मार्क्स स्कोर कर रहे थे उनके राशि परिवर्तन करने से आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। ये था आने वाले साल का राशिफल। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार। टीवी के साथ साथ अब आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। सिर्फ आपको YouTube पे सर्च करना है टीओ के जनादेश और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। इसी के साथ साथ तुरंत ही नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जनादेश।